अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति में कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर कई मांगों पर विचार कर उन पर कार्यवाही करने की मांग की गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ब्राह्मणों के उत्थान के लिए सभा ने प्रमुख मांगों को उठाया है, जिसमें ब्राह्मण समाज का गठन, ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में निःशुल्क छात्रावास, हर जिले में परशुराम भगवान के नाम से सामुदायिक भवन का निर्माण, परशुराम भगवान की जन्मस्थली जानापाव में वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के साथ ही मंदिरों की भूमि की नीलामी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट पर न्यायालय का फैसला सर्वमान्य करने की भी मांग की है। जी हाँ, आज हम काफी संख्या में ब्राह्मण समाज को इकट्ठा थे, क्योंकि जैसा कि कोरोना पीरियड में फिर देर से दो चार लोग ही ज्ञापन मुख्य समय पर जा सकते हैं, इस नाते हम तो 5-6 लोग गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज इस देश में, पूरे भारत में बड़ी संख्या में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10% का आरक्षण जनरल को दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 10% का आरक्षण हमें कहाँ कहाँ हमें मिलता है और किसे मिला। जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, अपने क्षेत्र में हॉस्टल हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, किसी एक भी जनरल को उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आखिर इस बात के लिए हम कहते हैं कि वो किस बात का आरक्षण है, किस बात का हमको लाभ की बात है। इस नाते हम सरकार से यही जानना चाहते हैं तथा और बहुत सारी हमारी मांगे हैं। इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लिए एक आयोग का गठन हो, ब्राह्मण आयोग का गठन हो, जिसमें ब्राह्मणों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि मुश्किल से 10% ब्राह्मण सक्षम है, बाकी 90% ब्राह्मण बहुत गरीब है, किसी तरह का आरक्षण उसे नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी आगे बढ़े और हर योग हर कार्य में, इस देश के हर भूमिका में ब्राह्मण समाज का हमेशा सदियों से योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। ये हमारा संगठन पूर्ण राजनीतिक, बिल्कुल किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। हम अपने समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार के द्वारा, सरकारों के द्वारा जो भी नियम बनाए जाए उसमें ब्राह्मणों का स्थान हो। देखिए, ब्राह्मण वर्ग जो है पूरे विश्व के उत्थान में हर एक जगह महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। उसी तारतम्य में हम मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे जिलों में, पूरे कस्बों में ब्राह्मण वर्ग के जो असहाय गरीब लोग हैं उनको न्याय मिल सके, उनके लिए एक अच्छा कानून पारित हो और उनके साथ न्याय संगत हर क्षेत्र में बातें हों, उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के नाम से। और ये ज्ञापन हमारे पूरे आज भारत में दिया गया, जिससे ये संदेश जाता है कि ब्राह्मण हितार्थ जो जो समस्याएं हैं वो पूरा किया जाए, ब्राह्मण हितार्थ काम किया जाए। जैसे कि मान लीजिए गरीब बच्चों के लिए जो है जो निश्चित आरक्षण डिसाइड किया गया है, उस आरक्षण के तहत जो उनको बेनिफिट मिलता वो दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप कैसे कैसे दिया जाए, कैसे ना दिया जाए, क्या आरक्षण दिया जाए ना दिया जाए, इस सब पर चिंतन करना, इसके लिए हमने सब रखा है। यहाँ तक कि एक परशुराम जी का एक मंदिर अलाट करने के लिए एक शासन के द्वारा जो है जमीन भी हमने मांगा है और इसी क्षेत्र में बहुत सारी बातें हैं।